हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एप्पल के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या नया नया क्या चेंज आया। इस अपडेट को करने से आपको मोबाइल में क्या क्या चेंज आएगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है, मेरा ये देखिए iOS 11.0.2% है। इसको अगर आप लोग भी अपडेट करना चाहते हैं तो लगभग 3 GB मोबाइल में स्पेस खाली रहना होगा। चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें चेंज आया है, क्या क्या नया नया क्या क्या फीचर्स ऐड किया है इसमें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो है, कंट्रोल पैनल में ज़्यादा चेंज आया, इसका पैटर्न भी चेंज हो गया। आप इसमें ब्राइटनेस अप और डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम बटन बिना दबाए आप वॉल्यूम का अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप डाटा कनेक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चेंज है ये है कि आपको पहले डाटा कनेक्शन के लिए भीतर जाके मोबाइल के अंदर जाके सेटिंग में जाके ऑन ऑफ करना पड़ता था, अभी इसको बाहर से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे एक से आइकन ब्लिंक कर रहा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको दबा के आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और बाकी सारी जो जो फंक्शन पहले से था वैसी है, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर सकता है, स्क्रीनशॉट करने के बाद स्क्रीन छोटा होकर नीचे आएगा, नीचे प्रीव्यू से आप उसको इसे एडिट करके आप अगर चाहे तो उसको मार्किंग भी कर सकता है, पेंसिल चूज़ करके, कलर चूज़ करके। अगर कुछ मतलब लाइन से कुछ वर्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, या उसके बाद आप इसको कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर दिया। अब इसमें सीरी का जो आइकन है वो थोड़ा चेंज हुआ, सीरी में फीचर्स भी बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड किए हैं। सीरी अभी बहुत सारे ऐप सीरी से काम करता है। उसके बाद जो देखिए एक्सेसिबिलिटीज़ में, डिस्प्ले एकोमोडेशन में जाके, इनवर्ट कलर्स में जाके आप स्मार्ट इनवर्ट इसको आप ऑन करने से आपका जो व्हाइट है वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक जो है व्हाइट हो जाएगा। इसको रात को जो मोबाइल यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, इस फीचर्स को भी आप ऑन करके रख सकते हैं। तो इसे छोटा मोटा बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस के बारे में मैं आप लोग को यह बताता हूँ। नीचे देखिए और एक ऑप्शन इसमें दिया है, वो है शट डाउन। आप पावर बटन बिना दबाए इसको ऑफ कर सकते हैं, तो इसी से आप शट डाउन मतलब डायरेक्ट मोबाइल ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद और देखिए बहुत सारे चेंजेस इसमें हैं, आप लोग जब अपडेट देंगे यूज करेंगे तब मतलब आप लोग जान पाएंगे। इसे वीडियो में सब चीज़ बताना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसमें देखिए ऐप स्टोर का आइकन चेंज हुआ, आईट्यून का आइकन चेंज हुआ, सेटिंग्स का थोड़ा बहुत आइकन में थोड़ा बहुत मतलब चेंज हुआ है, बाकी पहले से बहुत फास्ट हुआ। अब मोबाइल लॉक अनलॉक करने से पटक से मोबाइल खोल भी जाता है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया फीलिंग्स आ रहा है कि मेरे मोबाइल जैसे पुराना मोबाइल नहीं है, नया मोबाइल है ऐसा लग रहा है। पहले से बहुत फास्ट भी हुआ है और जो मतलब बाकी जो जो फीचर्स है लगभग सेम है, लेकिन बहुत सारे चीज़ चेंज हुआ है। तो कॉल ऑप्शन में भी थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे कि पहले जो कॉल में जो मतलब जो डायल लिस्ट रहता था उसमें छोटा छोटा करके जो लिखा रहता था वैसे था। मैसेज में देखिए आई मैसेज बोल के आप ऐप स्टोर से ऐप से अगर डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा। तो ऐसे में मतलब मान लीजिए कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इसको अपडेट किया, नया नया फीलिंग्स आ रहा है। तो आप लोग भी करिए। मेरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप सब्सक्राइब करना मत।